त्योहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। दान पुण्य के त्योहार मकर संक्रांति का सनातन धर्म में बहुत ही खास महत्व है। प्राचीन मान्यता के अनुसार गंगा में स्नान करने के उपरांत सूर्य की आराधना करना सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है, जो धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इस बार भी कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सिमरिया और झमटिया घाट पर 14 एवं 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने की रोक को लेकर तेगरा क्षेत्र के गंगा घाटों पर भी इसका व्यापक असर देखा गया। तेगरा के प्रसिद्ध और लोकप्रिय अयोध्या मिथिला गंगा धाम के घाट पर गंगा स्नान को लेकर इस बार गंगा घाट सहित पूरे क्षेत्र वीरान एवं सुना सुना जैसा दृश्य देखा गया। कुछ ही संख्या में आसपास के लोगों ने ही गंगा स्नान करने पहुंचा। वहां के स्थानीय अजय कुमार सिंह एवं दुकानदार बलिहारी सिंह ने बताया कि इस प्रसिद्ध घाट पर पूरे अनुमंडलीय क्षेत्र के अलावे दूर दराज जिलों से श्रद्धालु मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में स्नान करके सूर्य देवता को तिल, चावल, जौ, धूप, दीप, रोली, चंदन, पुष्प, पान एवं सुपारी आदि से पूजन से मन की शुद्ध प्राप्ति कर घर वापस जाकर अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करते थे और तिल, चावल, पान और प्रसाद चढ़ाते थे। इस प्रसिद्ध घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का भीड़ होता था। दुकानों में लोग जमकर खरीदारी करते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने श्रद्धा एवं आस्था के गंगा स्नान को भी प्रभावित किया है। घाट पर लगे अस्थाई एवं अस्थाई दर्जनों दुकानदारों में मायूसी देखी गई। ग्राहक के इंतजार में सभी दुकानदार लगे रहे, लेकिन सीमित संख्या में आए श्रद्धालु स्नान के बाद सीधे घर की ओर रुक करते दिखे। यही स्थिति सूर्य नारायण बोल्डर घाट, मधुरापुर, बजलपुरा घाट, चिमनी घाट, बालू घाट एवं अन्य घाटों की रही। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। धन्यवाद।